तो ग्यारह माला तो घर में क्या नहीं सपने में और मेरी जो को बात कर रहे थे क्योंकि जब बच्चा कोई काम करता है ना तो उसका जो पहला फल जो होता है वो किसको जाता है माँ बाप कोई भी शक्ति जब बच्चे के पास आती है तो वो माँ के पास से होकर निकलती है वो माँ की अनुमति लेती पहुंचे या ना पहुंचे चाहे वो अच्छी हो या एक बार बुरी शक्ति फिर भी टक्कर दे देगी बिना अनुमति लेकिन अच्छी शक्ति जब भी जाएगी तो माँ बाप के पास होकर ही निकलती जितने भी साधक होते हैं उनके पास जो शक्तियाँ होती हैं ना पहले वो माँ बाप को देती तब साधक के पास और मैंने पहले जो भी आदमी रहती है पोजीशंस हैं केस हैं उनको दे रहा हूँ एक हफ्ते थोड़ा थोड़ा तो तूने शुरू करा है अब तक तो तू क्या कर रहा था एक माला जाप कर रहा था हवन कर रहा था लगातार तूने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया तो फिर कितना दो घंटे तीन घंटे जब कोई सिद्धि साधना करेंगे ना बेटा तो उसके अंदर कम से कम चार चार पाँच पाँच घंटे बैठना है इसको पूछ ये 9 बजे बैठता है सुबह 4 बजे उठता है और फिर दिन में जिसको सोने की अनुमति नहीं और कल ये सो भी गया जाप कर एक कोना पकड़ कर घर वालों को भ्रमित करके कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं साधना बैठे तो सबको लगा कोई साधना कर रहा है तो उसको सोने दो करने लेकिन वो वहाँ पर तुम घर वालों को धोखा दे सकते हो शक्तियों को धोखा नहीं दे सकते हो रात्रि नींद और रात्रि पी बहुत मेहनत की जरूरत है ये मान लो कि अभी तुमने अपने घर में हल चलाया है और चला रहे हो पूरी तरीके से वो खेत जुता नहीं है अभी तुम चल रहे हो यहाँ तुम्हारी शुरुआत अब तक तुमको किसने क्या करवाया क्या नहीं करवाया मुझे नहीं पता एक दिन वो आएगा अपनी महिमा और ये तो जब कोई अच्छी शक्ति आती है ना तो उससे आगे प्रेत चलते हैं कल मम्मी कहेगी तू क्या कर रहा है तू तो देवी को बुला रहा है लेकिन ये तो प्रेत आ गए इसकी मम्मी के ऊपर आगे पूरे पूरे कंकाल आगे लग जाते हैं क्या करें तो प्रेत आगे चलते हैं अगर तुमने उनको संभाल लिया तब फिर ये चलेंगे अब प्रेत आगे क्यों चलेंगे क्योंकि जहाँ ये चलेंगे उससे आगे वो चलते हैं और उनकी बारात कौन है बिना चटके
आपको आराम दिखा या नहीं है? अब जो आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो उसमें साथ में पानी भी उचित करो, और जो पानी उचित करोगे उसकी शक्ति वो अलग ही होगी, ठीक है? और हो सके तो श्री हन हनुमते नमः इस मंत्र का जप करना है। ओम हन हनुमते नमः, आपको करना है श्री हन हनुमते नमः हनुमान, ठीक है? इससे आपको कवच मिलेगा। इसको काला करके और इसके तीन टुकड़े करके किराए पर डालना है, टुकड़े अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है? इसको थोड़ा सा काला करके काजल से कर सकते हैं। बच्ची कैसी है बहन की? बहुत अच्छी है, ठीक है? उसका क्या, उसको किसी चलते पानी में जल करवा देना, क्योंकि अब इतने दिन में वो किसी काम का नहीं, ठीक है? और